मुंबई हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें बड़ा अपडेट है कि आरोपी जो है मिहिर शाह, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी मिहिर को गिरफ्तार कर लिया। ये हिट एंड रन केस था वर्ली इलाके का, जहां पर एक बीएमडब्ल्यू, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी थी और इसमें महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद ये शख्स वहां से भागने की दरअसल कोशिश कर रहा था, महिला कार में फंस गई, 100 मीटर तक घिसटती रही और उसके बाद महिला को जब अस्पताल ले जाया गया तो दम तोड़ दिया था महिला ने। इस मामले में आरोपी के पिता को पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब जो आरोपी मिहिर शाह, जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही वो कह चुके थे कि हम सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि लगातार शिवसेना यूबीटी इस पर सवाल खड़े कर रही थी, आदित्य ठाकरे सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि जो आरोपी का पिता है वो शिवसेना नेता है, इसलिए इस मामले में सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं सत्ता का इस्तेमाल करके बचाने की कोशिश ना की जाए। प्रथमेश है इस खबर पर साथ में। प्रथमेश, कहां से कैसे गिरफ्तारी हुई इसकी? जी बिल्कुल, जो पुलिस के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि मिहिर शाह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उन्हें पकड़ने के लिए 6 टीम अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दी गई थी मुंबई पुलिस के द्वारा। ऐसे सूत्रों के हवाले से माने तो शाहपुर से जो मिहिर शाह है उनको अरेस्ट किया गया है। कुछ ही देर में उन्हें मुंबई भी लाया जाएगा, जिसके बाद एक लगातार जो उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, क्या वो गाड़ी चला रहे थे, क्या वो गाड़ी जब चला रहे थे क्या वो नशे में थे, तो हर एक चीज़ें हर पहलू पे जांच होगी। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ तो ये जो घटना हुई है रविवार को हुई है, रविवार को घटना होने के एक दिन पहले शनिवार को उनके जो बैंक अकाउंट से 18,000 का जो एक बार में जो है एक पब में एक पार्टी की थी, जहां से 18,000 उन्होंने खर्च किए थे वहां पर, तो वहां पर कुछ अल्कोहल कंजम्पशन भी हुआ था, जिसके बाद मुंबई पुलिस लगातार एक्शन मोड पे। हालांकि इसमें जो सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से भी ये लगातार कहा गया था कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो शिवसेना का कोई नेता भी हो तो। जी ठीक है प्रथमेश, आप बने रहिए साथ में, मैं अभी फिर से आपके पास लौट रहा हूँ, क्योंकि इसी केस से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज है और ये है कि इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज ने हिट एंड रन केस के राज कई खोले हैं। मिहिर शाह मृतक महिला को इस सीसीटीवी फुटेज में घसीटता हुआ दिखा है, अपनी बीएमडब्ल्यू से करीब 1.5 किलोमीटर तक उस महिला को घसीटा मिहिर शाह ने, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। राजऋषि राज सिंह बिदावत से मैं आपको बता दूं कि जो फुटेज सामने आई है उसमें मिहिर शाह महिला को घसीटता हुआ दिख रहा है। 7 जुलाई को यह हिट एंड रन मामला था, जिसमें पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी में मिहिर शाह मृतक महिला कावेरी को बीएमडब्ल्यू से करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ दिखाई दिया, फिर उसने ड्राइवर राजऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत से अपनी सीट बदल ली। इसके बाद ड्राइवर ने कार पीछे की तरफ चलाई और कावेरी को कुचल दिया। पुलिस ने बताया कि मिहिर फरार था, उसकी तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन अब मिहिर को अरेस्ट कर लिया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आपको ये बता दें कि शिवसेना नेता राजेश शाह, जो कि मिहिर के पिता हैं, उन्हें जमानत मिल गई है। प्रथमेश हैं साथ में मेरे। प्रथमेश, ये तो बड़ी क्रूरता साफ हो रही है इस सीसीटीवी फुटेज से, जैसा पुलिस जिक्र कर रही है कि पहले तो घसीटा, उसके बाद सीट बदली, फिर ड्राइवर ने गाड़ी को बैक करके कुचला, यानी कि वो ये चाहते थे कि सबूत ही खत्म हो जाए। ये तो सीधे मर्डर का मामला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें ऐसा साफ नजर आता है कि मिहिर शाह जो गाड़ी चला रहे थे, जिसके बाद ऑडियो वो महिला को लेकर गए, सीट को लेकर गए, जिसके बाद जो एक ड्राइवर ने सीट एक्सचेंज की है और उसके बाद ही लगातार जो है उसके बाद उन्हें कुचला गया था, जिसके बाद महिला को लगातार थी। हालांकि उस वक्त जब टक्कर मारी गई बीएमडब्ल्यू कार से दो बाइक सवार वालों को, तब उस वक्त उनके पति भी उनके साथ थे, लेकिन वो पति जहां पे वहां से जो जंप करने में हासिल हुए हैं, लेकिन जो महिला थी वो नहीं हासिल हो एक कूदने में वहां से हासिल नहीं हो पाई, इसके वजह से उनकी वहां पर मौत हो गई। लगातार जब एक्शन मोड में आई पुलिस,
दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पिताजी को भी गिरफ्तार किया गया था इस सब मामले में, उनके उन्हें कोर्ट में भी पेश किया था, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें बेल एप्लीकेशन फाइल किया था और उन्हें बेल मिल गए थे, जिसके बाद मिहिर शाह भी बहुत दिन से फरार थे, जिनकी मुंबई पुलिस लगातार उनकी जो ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। 6 पुलिस की बाकायदा टीम बनाई गई थी, जिसके बाद लगातार गुजरात में ही मुंबई पुलिस की टीम गई थी जांच करने के लिए। उनके लगातार जो जांच का जो एक पैराम है वो बहुत ज्यादा फैला गया था मुंबई पुलिस के द्वारा और उन्हें आज पकड़ लिया गया। जी शुक्रिया प्रथमेश जानकारी।